हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर चुके थे, उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लेते। थर्ड में भी दो पार्ट कंप्लीट किए थे, ओनली फर्स्ट और सेकंड। आज थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड लेते हैं। और अगर आपने वो वाले पार्ट कंप्लीट नहीं किए इससे पहले वाले, तो उस वीडियो के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड के थर्ड पार्ट को। तो थर्ड के थर्ड पार्ट में देखो, मैंने शॉर्ट्स में इसका क्या कर दिया, लैंग्वेज लिख दिया एकदम शॉर्ट के अंदर। इसमें क्या कहा है आपसे कि 7 बैट और 6 बॉल दोनों का जो कीमत है वो कितना है, 3800 रुपीज। ऐसे ही 3 बैट्स और 5 बॉल्स इनका जो टोटल कॉस्ट है, मतलब कीमत है, वो कितना है, 1750 रुपीज। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा तादाद में, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है। जब आपको बहुत सारी क्वांटिटी में वैल्यू दे देती है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कितने कितने की कॉस्ट मानोगे, एक एक क्वांटिटी की कॉस्ट मानोगे। तो यहाँ 7 बेट की कॉस्ट दे रखी है, तो अपन क्या मान लेंगे कि एक बेट की कॉस्ट कितनी है। तो आपको पता है दो चीजें दे रखी, तो दो चीजें मानते हैं, एक को एक्स और एक को वाई मानते हैं। तो यहां पर आप मान लेंगे कि एक बेट की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो कितना है, X रुपीज। फिर बात करते हैं ऐसी एक बॉल की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो कितना है, Y रुपीज। अब देखो यहां पर आपको पता चल गया कि यार एक बेट की कीमत X रुपीज है और 7 बेट आपको लाना है, तो उसकी कीमत कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आप बेट लेने गए बाजार में, एक बेट आपको मिला 100 रुपीज का और आपको 7 बेट लाना था, तो कितने के मिलेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 के 7 बेट आएंगे। तो यहां पर भी वही करना है। अब एक बेट 100 की जगह कितने का आ रहा है, X रुपए का आ रहा है, और 7 बेट की कीमत निकालना है, तो 7 को X से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, तो आपको 7 बेट की कीमत मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इस स्टेटमेंट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 7 बेट की कॉस्ट आपके पास आएगी 7X और 6 बॉल की, एक बॉल की कीमत वाई है, तो 6 बॉल की कीमत आएगी आपके पास 6Y, और इनका जब टोटल करेंगे तो वो किसके बराबर है, 3800 रुपीज के। रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या बन गई है, इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन आपके कंप्लीट हुई। ऐसे बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, तो दूसरी इक्वेशन के लिए वापस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे जाएंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 3 बेट, और आपको पता है कि एक बेट कितने में आ रहा है, एक्स में, तो 3 बेट कितने में आएगा, 3X में, और 5 बॉल, एक बॉल कितने में आ रही है, वाई, तो 5 बॉल कितने में आएगी, 5Y में, और इसका जब टोटल करेंगे तो किसके बराबर आएगा इस बार, 1750 के। ये आपके पास क्या चुकी है, दो इक्वेशन आ चुकी है। अब आपने ये इक्वेशन तो बना दी, अब आपसे क्या कहा है कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको एक बेट और एक बॉल की कॉस्ट निकालना है। तो इसको सोल्व कर लो, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कितनी कितनी कॉस्ट है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उससे इसको सोल्व करते हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको पकड़ते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको पकड़ा जब आपने यहां पर, तो 7X + 6Y = 3800। अब यहां पर x की वैल्यू निकालना है तो सबको उधर पहुंचाना है, तो पहले 6y जाएगा, तो ले चलते हैं 6y को, तो ये प्लस का था माइनस का हो चुका है। अब x को निकालेंगे, तो अब x को जैसे निकालेंगे आप, तो 7 मल्टीप्लाई में आ रहा था इसके साथ, तो 7 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। अब x की वैल्यू जो मिली वो आपने किस इक्वेशन से निकाली है, फर्स्ट से, तो रखेंगे किसमें, सेकंड के अंदर। तो यहां पर x की वैल्यू को सेकंड में रखना है, तो देखो यहां पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में अपन वैल्यू रखते हैं, तो जहां भी एक्स आ रहा है उसकी जगह ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ध्यान रखना। तो देखो यहां पर 3 as it is multiply as it is, फिर ब्रैकेट में एक्स की जगह ही आएगा आपके पास, 3800 - 6y / 7, तो एक्स की जगह आ गया, और बाकी का जो है वो एज इट इज रहेगा। बाकी में क्या था आपके पास, प्लस में 5y था और इक्वल में 1750 था, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो सबसे पहले क्या 3 से 7 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 को, पहले इससे फिर 3 को उससे। तो 3 को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, फिर 3 को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, 3 8 जार आपके पास होता है 24, ऊपर जाएगा 2, अभी साइड में लिख देते हैं, 3 3 जार 9 होता है, और 9 में ये 2 प्लस होगा तो कितना आएगा, 11। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस की जगह माइनस, अब 3 गया 6 के पास मल्टीप्लाई होने, तो कितना आएगा, 18, और साथ में क्या जाएगा, वाई, और अपॉन में देखो क्या चल रहा है, 7 और प्लस में 5 और साथ में y इक्वल में 1750। अब देखो ये अपोन में आ रहा है, एक तो अपोन में और एक बिना अपोन में, तो आपको पता है अपोन वाले नंबर को प्लस करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 1, और 1 के साथ कोई भी नंबर हो एलसीएम वही आता है। अब 7 से 7 कटेगा 1 टाइम, 1 को इस पूरे से इंटू कर देंगे, और 1 से किसी को भी इंटू किया जाता है तो वही रिजल्ट आएगा। तो ये आपके पास एज इट इज आ गया, प्लस की जगह प्लस आएगा। अब 1 से 7 को कट करना है,
तो 1 से 7 को कट करेंगे 7 टाइम, और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा 35, और बराबर में जो चल रहा था एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये भी वाई वाला और ये भी वाई वाला, तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, तो इनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ 1 1 4 00 एज इट इज, डिफरेंट साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 35 में से 18 को माइनस करना है आपको, 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये इसको देगा 15, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7, या 2 माइनस 1 करेंगे तो 17, तो आपके पास इन दोनों को माइनस करने पर क्या आया 17 वाई। बड़ा कौन है दोनों में, 35 बड़ा है, तो साइन कौन सा लगेगा प्लस का, अपोन में क्या चल रहा था 7, और इक्वल में क्या चल रहा था आपके पास 1750, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो हाथों हाथ ले भी जा रहा हूँ और हाथों हाथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 0 0, 7 5 35 होता है, 7 7 49 और 52, फिर 5 ऊपर गया, 7 1 7 और 5 12, ठीक है। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया उसे लिखते हैं वहां पर, ये तो एज इट इज और ये उधर गया, जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या रिजल्ट मिला आपको 12250। अब देखो y को निकालना है, तो y को निकालना है तो y को तो यहाँ रखेंगे, बाकी को उधर पहुँचाएंगे, तो ये पहले उधर जाएगा, किसको जाएगा माइनस का, तो ये 17y और 12250 और माइनस हो जाएगा कौन 11400, इसमें से माइनस होगा, चलो माइनस करते हैं यहाँ पर, तो 17y एज इट इज। अब माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे तो आपको पता है जीरो आना है, इस फाइव में से ये जीरो माइनस होगा तो कितना बचेगा 5। अब 2 में से 4 को माइनस नहीं करेंगे तो ये इसको दे देगा, तो 12 माइनस 4 कितना आएगा 8। अब बचेगा यहाँ 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो माइनस होने के बाद आपके पास ये बचेगा। अब देखो आपको y निकालना है, तो 17 जो है वो 850 के अपोन में जाएगा और ये कट कर देगा इसको कितनी टाइम 5 टाइम और 0 टाइम, तो y आपको कितना मिला 50, आपको y मिल चुका है, यहाँ पर एक आंसर आपका आ गया। अब बात करते हैं x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो इसमें छोटे नंबर दिख रहे हैं उसमें रखेंगे, छोटे नंबर दिख रहे हैं इक्वेशन सेकंड में तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं y की वैल्यू, तो यहां लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू अपन रख रहे हैं, तो देखो 3x एज इट इज प्लस एज इट इज 5 एज इट इज, लेकिन अब y आ गया, y की जगह क्या रखना है आपको 50, और इक्वल में क्या चल रहा है आपके पास 1750, तो 3x आपके पास एज इट इज, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 2250 और ये आएगा 1750। अब देखो यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो पहले आपके पास 250 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा आपके पास 1500, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपके पास 3 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो कितनी बार कट कर देगा इसे 500 टाइम, तो इसका मतलब आपके पास x मिल गया है और ये दूसरा आंसर है। तो लास्ट में यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देना आप क्या लिखोगे, 1 बेट की कॉस्ट इक्वल टू कितना मिला आपको 500 रुपीज, और 1 बॉल का कॉस्ट जो है वो कितना मिला 50 रुपीज, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हुआ। चलो इसका एक और पार्ट लेते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट दिख रहा है। देखो फोर्थ पार्ट के अंदर आपसे क्या कहा गया है कि कोई सिटी में एक टैक्सी है, वो अपना चार्ज दो तरह से लेती है, एक तो फिक्स्ड चार्ज लेती है और एक जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है उतना चार्ज लेती है, फिर उसके बाद जो दोनों का मिलता है वो उसका टोटल चार्ज होता है। तो उसका मतलब यह है कि टोटल चार्ज उसका कैसे निकलेगा, फिक्स्ड चार्ज और डिस्टेंस जितनी कवर की है उन दोनों को मिलाने के बाद टोटल चार्ज मिलता है उसको। अब यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि कोई पैसेंजर टैक्सी वाले के पास आया और वो कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो उसको कितना रुपये देना पड़ा 105 रुपीज टैक्सी वाले को देना पड़ा। फिर वापस से वही पैसेंजर आया, उसने कितना किलोमीटर चला 15 किलोमीटर चला और उसने टैक्सी वाले को कितना चार्ज दिया, तो उसने टैक्सी वाले को चार्ज दिया 105 रुपीज उसने चार्ज दिया। ये दो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों से आपको पहले क्या बनाना है इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद इनको सोल्व करने के बाद उसने कहा है कि वापस अगर वो पैसेंजर 25 किलोमीटर टैक्सी में डिस्टेंस कवर करता है तो कितना चार्ज देगा। तो देखो यहाँ पर दो तरह के चार्ज दे रखे, एक तो फिक्स्ड चार्ज और एक उसने जो डिस्टेंस कवर किए वो वाला चार्ज। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि जो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो क्या मान लेते हैं आप, फिक्स्ड चार्ज को मान लेते हैं आप X रुपीज, और इसके अलावा डिस्टेंस कवर, अब कितने किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया उसका चार्ज दे रखा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो पर किलोमीटर जो डिस्टेंस है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसका, वो क्या मान लेते हैं अपन Y रुपीज।
तो यहां पर आप फिक्स्ड चार्ज को एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो आप 2 मिनट के लिए क्या हो, टैक्सी वाले हो, और मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे आप 10 किलोमीटर चलना है, तो आपने मेरे से कहा कि भाई मेरे पास दो तरह के चार्ज है, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक पर किलोमीटर वाला चार्ज है, और दोनों को मिला के मैं टोटल चार्ज लूंगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कहा मुझे 10 किलोमीटर चलना है, तो वो कहेगा कि 1 किलोमीटर का चार्ज आपके 10 रुपीज़ है, और तू मेरे से बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज भी लूंगा जो फिक्स्ड चार्ज है। वो फिक्स्ड चार्ज मैं कह देता हूँ आपसे कि मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए 5 रुपीज़ है फिक्स्ड चार्ज। अब मैं कहता हूँ कि मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो 1 किलोमीटर का कितना ले रहा है वो, 10 रुपये, तो 5 किलोमीटर के कितने लेगा, 50। फिर उसके बाद यहाँ पर उसने कहा कि फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही है, वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स ही रहेगा, और फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज़, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल चार्ज मुझे वहां पर देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब फिक्स चार्ज जो है एक्स वो तो एज इट इज ही रहेगा, बाकी जो है वो किलोमीटर के हिसाब से बदलेगा। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन ने चले, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर उसको चलना है, तो एक बात बताओ 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10 वाई। ये तो किलोमीटर के हिसाब से हुआ। अब इसमें कौन जुड़ेगा, जिसे कि देखो 5 जुड़ा था ना यहाँ पर, 5 क्या था, फिक्स चार्ज, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज आपके पास क्या है, एक्स है, तो बराबर में टोटल जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 105 रुपीज आपके टोटल चार्ज बनेगा। ठीक है, फिर एसी वापस जाते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पर भी देखिए कितना किलोमीटर गया भाई साहब, 15 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर का चार्ज क्या बनेगा, 15 वाई, ये तो 15 किलोमीटर का चार्ज है। अब इसमें कौन जुड़ेगा, फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज आपके पास कितना है, एक्स, ये दोनों चार्ज मिलकर टोटल चार्ज के बराबर बनेंगे, और टोटल चार्ज आपके पास कितना है, 155 रुपीज। तो रुपीज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है, तो ये आपके दो इक्वेशन बनी है। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को पकड़ते हैं यहां पर अपन, तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, एक्स प्लस 10y इक्वल में 105। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 105 एज इट इज, y वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है, तो रखेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में, तो यहां लिख देना आप पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू रखते हैं, तो देखो जहां x दिख रहा है, और x कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो x की वैल्यू देखो किसके बराबर आ रही, 105 माइनस 10y, तो यहां पर आ जाएगा 105 माइनस 10y, और बाकी पूरा स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा। यहां पर क्या चल रहा है, 15, तो ये 15 और y एज इट इज इक्वल में क्या चल रहा है, 155। अब देखिए यहां पर दो y वाले एक साथ दिख रहे हैं, ये भी y वाला वो भी y वाला, एक 10 है और एक 15 है, डिफरेंट साइन अलग है तो दोनों माइनस होंगे, तो आपके पास आएगा 5y, प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा 15 है, और उधर 155 आपके चल रहा है। अब देखो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 105 उधर चला जाएगा, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये उधर जा चुका है, जब इसे आप माइनस करेंगे यहाँ पर तो आपके पास कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब आप बात करें y की वैल्यू निकालने की, तो 5 हटेगा, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में जा चुका है, और ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 10 टाइम, तो y की वैल्यू क्या मिली आपको, 10। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए, तो दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जिसमें छोटे नंबर दिख रहे हैं उसमें y की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो छोटे नंबर कहाँ दिख रहे हैं आपको, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ रखते हैं, तो यहाँ लाइन लिख देना पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख रहे हैं, तो x एज इट इज प्लस एज इट इज 10 एज इट इज, y की जगह 10 और इक्वल में आपके आएगा 105, तो यहाँ x प्लस 100 इक्वल में 105, और जब आप x को निकालेंगे तो 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 5। तो देखो यहाँ पर आपको चार्ज मिल चुके हैं, चार्ज आपको मिल चुके हैं, जो आपके फिक्स चार्ज था, फिक्स्ड जो चार्ज था आपके पास वो क्या माना था आपने, x माना था, और x की वैल्यू आपको क्या मिली है, 5, तो फिक्स चार्ज आपके 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो आपने क्या माना था, y, और y की वैल्यू आपको क्या मिली है, 10, तो ये आपके पास 10 आ गया, तो ये तो आपके आंसर आ गए। लेकिन उसने एक चीज कही है कि आपको 25 किलोमीटर चलना है, और उसका चार्ज कितना होगा, तो 25 किलोमीटर का चार्ज सीधा सा है, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ लग रहा है, और 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, फिर 25 को 10 से इंटू कर देंगे तो 25 किलोमीटर का चार्ज मिल जाएगा, और इसमें क्या होगा, फिक्स चार्ज एड हो जाएगा, और फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज़, तो यहाँ 5 एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 250,
जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 255 रुपीज आपका इस 25 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।